यीशु नाम को हमारे जीवन में, हमारे संपूर्ण जीवन में आमंत्रित करते हैं। वही यीशु नाम जिन्हें नबियों ने पुकार कर अपने जीवन में आमंत्रित किया था। हम सभी मानव जाति की मुक्ति के लिए वह नाम सबसे श्रेष्ठ है। आइए हम उस नाम को, यीशु नाम को, पावन नाम को इस स्तुति आराधना के द्वारा अपने जीवन में आमंत्रित करें। हे परम पावन ईश्वर, तेरे पास ही अनंत जीवन का संदेश है। हम तुझसे और कहीं दूर न जाएं। आइए हम भक्ति भाव के साथ गीत गाते हुए, धन्यवाद देते हुए यीशु नाम को गाएं और यीशु नाम को इस समय में, इस क्षण में अपने बीच, अपने परिवार में आमंत्रित करें। हे यीशु नाम, आइए हमारे जीवन में आइए। हम अपने दिल में, अपने मन में, अपनी जुबा में यीशु नाम पुकारते रहें, क्योंकि यीशु नाम हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला नाम है। वह नाम आंधी को शांत करने वाला नाम है। वह नाम बीमारी को चंगा करने वाला नाम है। वह गूंगे को वाणी देने वाला नाम है। वह बहरे को सुनाई देने वाला नाम है। हम उसी विश्वास के साथ, जिस प्रकार एक गूंगा बोलने लगा था, जिस प्रकार एक बहरा सुनने लगा था, उसी विश्वास के साथ पूरे हृदय से हम जहां कहीं भी उपस्थित हैं यीशु नाम को पुकारते हुए इस प्रार्थना में भाग लें। हे प्यारे यीशु, तेरा नाम पावन है, तेरा नाम सुंदर है। जो कोई भी आपका सुंदर नाम अपने होठों पर, अपनी जुबा पर लाता है, वह अपने जीवन में शांति पाता है, आनंद पाता है, प्रेम पाता है। वह नाम लेते ही अपने जीवन में छुटकारा महसूस करता है, चंगाई महसूस करता है। वही नाम हम इस प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ पुकारते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में भी, मेरे परिवार के जीवन में भी, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में भी वह नाम शांति लाए, प्रेम लाए, आनंद लाए। आइए प्रभु यीशु, हम दिल खोलकर उस नाम को पुकारते हुए आपको आमंत्रित करते हैं। आइए यीशु, आइए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आइए, हमारे हर एक कार्यों में आइए। आदि शब्द ये सुना सबसे प्यारा ये सुना।
यीशु नाम पावन नाम यीशु नाम प्यारा नाम जति जाना यीशु नाम हे पावन यीशु आपका नाम लेकर वह स्त्री उस भीड़ में आगे बढ़ रही थी वह दूर से ही देखकर अपना विश्वास दृढ़ कर लेती है कि मैं काश यीशु का कपड़ा मात्र छू लूं तो मेरा रक्तस्राव की यह बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है उससे मैं छुटकारा पा सकूं चंगाई पा सकूं उस बीमारी की हालत में भी वह इतना विश्वास आपके नाम पर रखते हुए उस भीड़ की ठोकरें खाते हुए लोगों की बातें सुनते हुए प्रभु आपके पास आना चाहती थी ताकि वह आपका स्पर्श पाकर चंगाई प्राप्त कर सके छुटकारा प्राप्त कर सके आज हम लाते हैं हमारे बीच में हमारे आसपास उपस्थित उन सभी लोगों को जो चंगाई पाना चाहते हैं छुटकारा पाना चाहते हैं उस प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें प्रभु चंगाई प्रदान कर उनके कष्टों से उनके रोगों से उनके आंतरिक उनके शारीरिक उनके सामाजिक रोगों से छुटकारा प्रदान कर आइए प्रिय भाई और बहनों हम विश्वास के साथ उसी विश्वास के साथ जिस प्रकार वह महिला आगे बढ़ रही थी वह बहरा वह गूंगा प्रभु की ओर आगे बढ़ रहे थे ताकि उन्हें चंगाई मिल सके हम भी हमारे बीच में उपस्थित हमारे आसपास के उन लोगों को लाएं जो चंगाई पाना चाहते हैं हम स्वयं चंगाई पाना चाहते हैं हम यीशु का नाम लेकर उससे चंगाई प्राप्त करें प्यारे यीशु आपका पवित्र वचन हमें कहता है वह थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों को आपके पास बुलाता है हमारे बीच में कहीं ऐसे लोग हैं कहीं ऐसे व्यक्ति हैं जो थके मांदे हैं चाहे वे शारीरिक रूप से ही थके मांदे हैं अनेक लोग अलग अलग प्रकार के बोझों से थके मांदे हैं हम अपने जीवन में देखते हैं हमारे आसपास के लोग हर समय हर पल छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हैं कि उनका व्यवहार दूसरों के साथ ठीक नहीं है दूसरे उनके साथ व्यवहार उस तरीके का व्यवहार नहीं करते जिससे उन्हें प्रेम मिले शांति मिले आनंद मिले भाईचारा मिले हे प्यारे प्रभु आपके वचन की शक्ति से उनके जीवन को बदलने के लिए उनके जीवन में प्रेम शांति प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हे प्यारे प्रभु हम समर्पित करते हैं उस वातावरण को जहां हम रहते हैं जहां हम कार्य करते हैं हम उस समय को उस वातावरण को बदल सके आपके वचन की शक्ति से यह वचन हर प्रकार की परेशानी को प्रेम में बदल देता है शांति में बदल देता है आइए हम प्रार्थना करते हुए वचन के द्वारा प्रभु के नाम के द्वारा
प्रभु के प्रेम को हमारे जीवन में, हमारे आसपास के जीवन में लाने के लिए प्रार्थना करें। शांतिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, शक्ति जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, शक्ति जाना यीशु नाम। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप ही ईश्वर हैं और आपको प्रभु ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही हमारा विश्वास है, यही हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण विश्वास है जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। हे प्यारे प्रभु, आपके वचन की शक्ति द्वारा हमें संगमार पर चलने की शक्ति दे, प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, सत्य की राह पर चलने की शक्ति दे। हे प्यारे यीशु, हमें यह सुंदर जीवन जो आपने प्रदान किया है, इसे दूसरों के साथ बांटते हुए जीने की प्रेरणा प्रदान कर। यह जीवन एक आनंदमय जीवन, एक शांतिमय जीवन हमारे जीवन को प्रभु जी आप संचालित करते हैं। एक शांति का जीवन, आनंद का जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ने की शक्ति और साहस प्रदान कीजिए। जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, सौख्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, सौख्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, शक्ति जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, शक्ति जाना यीशु नाम। आइए हम प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को स्तुति विनती के साथ समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और समर्पित करें संपूर्ण रूप से। हम प्रार्थना करते हुए विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु के प्रेम से, प्रभु के नाम से बहुत दूर हैं, उन्हें प्रभु के नाम के बारे में पता भी नहीं है। हे प्यारे प्रभु, उन तक प्रभु के नाम को पहुंचाने की शक्ति साहस प्रदान कर। हमारे जीवन द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा हम आपके पवित्र नाम को, पावन नाम को उन तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर सकें और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका उत्तर होगा, हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरे मन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरे माता पिता को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं
मेरे घर परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे पड़ोसियों को मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे मित्र भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूँ। मैं मेरे शत्रुओं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरे कार्यकलापों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरी बीती हुई जिंदगी को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरी कठिनाइयों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरी समस्याओं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरी यातनाओं को, मेरे कष्टों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरी उलझनों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरी योजनाओं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरी असफलताओं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरे विचारों को, मेरी अभिलाषाओं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरे दृढ़ संकल्पों को, मेरी कल्पनाओं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरे समुदाय को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे समुदाय को, मेरे पल्ली के हर एक विश्वासी को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं हमारे धर्म प्रांत के हर एक विश्वासी को, पुरोहितों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं धर्म प्रचारकों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। सब रोगियों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। कैदियों को, बंदीजनों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं राष्ट्र के नेताओं को, उनकी योजनाओं को, उनके कार्यकलापों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं समाज सेवकों, शिक्षकों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं सब कुछ, इस संसार की हर एक कार्यकलापों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, तेरे पवित्र नाम से हम सब पर अपनी आशीष निरंतर बरसा, ताकि सब तेरे पावन नाम को निरंतर पुकारते रहें और उस नाम के द्वारा अपने जीवन में, अपने कार्यकलापों में प्रेम, आनंद, शांति महसूस कर सके। आइए हम धन्यवाद के साथ इस गीत को प्रभु के नाम लेते हुए, गाते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु के नाम को जय जयकार करें। अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। जगते जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। जगते जाना यीशु नाम। हे प्यारे यीशु, तू हमारे मन की हर एक बात जानता है। तू हर एक विश्वासी की हर एक बात जानता है। आज हम हर एक विश्वासी की बातों को, उसकी जरूरतों को इस प्रार्थना में सम्मिलित करते हैं, लाते हैं। हमारे साथ जुड़े हर एक विश्वासी की प्रार्थना प्रभु आपको चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं। उसकी प्रार्थना में दुख है, दर्द है, कोई धन्यवाद देना चाहता है, कोई छुटकारा पाना चाहता है, कोई प्रभु जी सहायता मांगता है, कोई मार्गदर्शन मांगता है, उन सभी को हम इस प्रार्थना में यीशु नाम लेकर सम्मिलित करते हैं।
मेरे यीशु नाम, तन्ने मेरे यीशु नाम, हर विश्वासी के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम, मन में मेरे यीशु नाम, तन में मेरे यीशु नाम, हर विश्वासी के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। हे प्रभु, हम निराश हैं, हमें आशा प्रदान कर। हे प्रभु, हम पापी हैं, हमें क्षमा प्रदान कर। हे प्रभु, हम घमंडी हैं, हमें विनम्रता प्रदान कर। हे यीशु, हम डरे सहमे हुए हैं, हमारा डर दूर कर दे। हे प्रभु, हम चिंतित हैं, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, हम अशुद्ध हैं, हमें शुद्ध कर। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, हमारी आंखों को खोल दे, हमें ज्योति प्रदान कर। हे प्रभु, हम आपके साथ अपना क्रूस ढोने में असमर्थ हैं, हमें क्रूस ढोने में हमारी मदद कर। हे प्रभु, हम घायल हैं, हमारे घावों को चंगा कर। हे प्रभु, हम जरा से चोट के कारण चिंतित हैं, हमें सांत्वना प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु, हम लोग अन्य लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, हमें क्षमा करना सिखा। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं निरंतर हमारे जीवन में प्रेम से जीवन को संचालन करने के लिए आपकी शक्ति हमें प्रदान कर। इस प्रार्थना के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए, उन सभी वरदानों के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है, हमें छुटकारा प्रदान किया है। हमारी प्रार्थनाओं को आशीर्वाद के रूप में, कृपा के रूप में, चंगाई के रूप में आपने हमारे जीवन में प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमें रोगों से चंगाई प्रदान की है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हमें पीड़ा से छुटकारा प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे डर को तूने साहस में, ताकत में बदल दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे मन के अंधकार को तूने ज्योति में बदल दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।